नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबसे बड़े सरकारी नौकरी चैनल में। मैं हूं आपके साथ रवि कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड के बारे में। तो यूपी डीएलएड की ऑनलाइन काउंसलिंग एंड जैसे कि आप देख पाएंगे यहां अपना रैंक भी चेक कर पाएंगे। तो आपको आना होगा सरकारी जॉब डॉट सी ओ वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। आप सरकारी जॉब सेक्शन में जैसे ही आते हैं तो आपके सामने नज़र आएगा ये यूपी डीएलएड 2019 ऑनलाइन काउंसलिंग, ठीक है। इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये इंटरफेस हो जाएगा। तो इस प्रकार की पोस्ट आ जाएगी आपके सामने। इसमें लिखा हुआ है फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग लिंक एक्टिवेट सून, मतलब कि कुछ समय में लिंक एक्टिवेट होने वाला है। और ये दिखा रहा है कि डाउनलोड काउंसलिंग, मतलब कि ये है रैंक। अगर आपको रैंक चेक करनी है अपनी तो यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रैंक कार्ड खुल जाएगा। तो यहाँ अपना ऑनलाइन काउंसलिंग की जो है रैंक चेक कर पाएंगे। रैंक चेक करने के लिए क्या करना होगा आपको, सिलेक्ट कोर्स पर क्लिक करेंगे। डीएलएड, ओके, डीएलएड वीटीसी का। और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ एंटर कर लेना है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर्म के अंदर है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड, ये कैप्चा कोड होता है, अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ से क्लिक करके रीलोड कर सकते हैं। एन सी ये कैपिटल है, एन स्मॉल है, डबल बी कैपिटल है, फिर डब्लू है, तो ठीक है। यहाँ से नया कैप्चा आता रहता है, तो उसी प्रकार से यहाँ सबमिट करना होता है। उसके बाद हम लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी रैंक चेक कर पाएंगे। तो ठीक है, यहाँ से रैंक चेक कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया ये डाउनलोड काउंसलिंग जो लिख रहा है ये रैंक का है, रैंक, ठीक है। ये अपडेट हो जाएगा रैंक का और आप यहाँ क्लिक करके अपनी रैंक चेक कर पाएंगे। और भाई, ऑनलाइन काउंसलिंग चेक करने के लिए आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ आप सबसे पहले देख पाएंगे लिंक एक्टिवेट सून आ रहा है। बहुत जल्दी यहाँ पर लिंक एक्टिवेट हो जाएगा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है। उसके बाद आप क्या करेंगे, लिंक एक्टिवेट यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपना काउंसलिंग चेक करेंगे। उसके बाद अपना जो आपको सेलेक्ट करने हैं, अपने जो जो कॉलेज में आप लेना चाहते हैं एडमिशन, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए उसको लॉक कर सकते हैं आप यहाँ से आके। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लिंक एक्टिवेट होने दीजिए, उसके बाद आप सब कुछ कर सकते हैं इस वेबसाइट पर आके, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है मैं उसकी भी वीडियो बनाकर दिखा दूँगा आपको, किस प्रकार से आपको अपना कैसे कैसे करना है, जो भी कुछ है, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।